तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का, दैट इज डिमांड, मांग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ी समस्या होती है, जबकि इतना टॉपिक कठिन है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, हर टाइप के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। डिमांड क्या है? और पहले तो आप समझो डिमांड हम स्टडी क्यों करते हैं। भाई हम अगर इकोनॉमी के फ्लो को बात करें तो इकोनॉमी का फ्लो मैंने आपको कैसे बताया था, या हाउस होल्ड्स हैं या कैपिटलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के चल रहे हैं वो लोग, कैपिटलिस्ट हैं तो मतलब यहाँ ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और यहाँ पर नॉर्मल जनता है, आप ऐसे मान के चलो। ये जनता इनके यहाँ जाकर काम करती है, बदले में सैलरी कमाती है, वेतन लेती है, और ये जनता इनका सामान भी खरीदती है। तो सामान जब खरीदेगी तो सामान की मांग किसको होगी, डिमांड किसको होगी, जनता होगी को होगी, तभी तो ये पैसा कमाएगा। और जनता जो पैसा बच जाता है डिमांड से, वो जनता बैंक में जमा कर देती है, और वो बैंक में जो जमा हो जाता है वो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है उससे, और वो कैपिटल उधार ले लेता है ये इंडस्ट्रीज लगाने वाला आदमी, और ये उधार लेके अपनी फैक्ट्री को और आगे बढ़ाता है। तो ये इस प्रकार से एक फ्लो है, एक साइकिल है जो चल रहा है। अगर डिमांड मार्केट में इसके सामान की नहीं होगी या कम होगी तो ये कम कमाएगा, जब ये कम कमाएगा तो ये भी कम कमाएगा क्योंकि इन लोगों को सैलरी कम मिलेगी, और जब ये कम सैलरी मिलेगी तो कैपिटल भी कम बनेगी, लोग बैंक में जमा कम करेंगे, और बैंक में जमा कम करेंगे तो फिर इसको अल्टीमेटली फिर लॉस होगा। तो डिमांड तो बड़ी जरूरी है, लेकिन डिमांड एक पॉइंट से ज्यादा हो जाएगी तो ये जब उसका सामान खूब बिकेगा मार्केट में तो ये उसका कीमत बढ़ा देगा। तो जब भी डिमांड बढ़ जाएगी किसी वस्तु की, किसी चीज की, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, और प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो किसी भी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो इकोनॉमी को चलाती है, इकोनॉमी का जो पहिया है वो डिमांड चलाती है, हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं। तो कैसे हम डिमांड को यहां पर स्टडी करेंगे सेपरेटली, डिमांड नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई। देखो सप्लाई डिमांड वो तो अलग चीज है, वो तो अलग तरीके से हमने पढ़ा है, यहां पर हम सप्लाई से संबंधित हमारा नहीं है चीजें, हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और रिसेशन ये सब देखने नहीं जा रहे हैं, हम डिमांड एज अ होल देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड किसी भी चीज की जो डिमांड है उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो मांग का मतलब क्या है, और मांग फिर देखेंगे क्यों बढ़ती है, क्यों घट जाती है, क्या होता क्या है। तो मांग का मतलब क्या है कि चीजों की जरूरत होना, क्या उतनी मांग है, मुझे मांग है एक फरारी गाड़ी खरीदनी है मुझे, तो क्या वो फरारी गाड़ी की मांग मुझे है, तो क्या वास्तव में फरारी की मांग है, ये फरारी की डिमांड है मार्केट में, नहीं, अरे मेरे पास पैसा कहाँ है 2 करोड़ रुपए, यार 2 करोड़ रुपए होगा तभी तो जाकर के फरारी खरीदूंगा मैं, समझ रहे बात मेरी। तो मांग सिर्फ डिजायर नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एबिलिटी टू पे, और जब दोनों चीजें मार्केट में किसी आदमी के पास हैं तभी हम कहेंगे कि डिमांड है, समझ रहे हैं? मुझे डिमांड है कि भाई मुझे एक मुकेश अंबानी जैसा शानदार घर बनाना है, ये मेरी डिमांड है, और उतना पैसा नहीं है, वो सैकड़ों करोड़ जो उसने लगाए हैं उसमें उतना पैसा नहीं, तो क्या वो डिमांड है? नहीं, डिमांड नहीं, डिमांड तब होती जब मेरे पास पैसा भी होता और डिजायर भी होती, देन ओनली इट इज कॉल्ड डिजायर, देन ओनली इट इज कॉल्ड डिमांड। तो इस बात को लिख लीजिए आप, द डिमांड इज द कस्टमर्स डिजायर, डिमांड इज द कस्टमर्स डिजायर एंड एबिलिटी टू परचेज अ गुड और सर्विस इन अ गिवन टाइम, इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, कौन कौन से फैक्टर डिमांड पर प्रभाव डालते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, डिटरमिनेट्स ऑफ डिमांड्स, डिटरमिनेट्स ऑफ डिमांड या मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या कारक या फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिमांड। तो कौन कौन सी चीजें डिमांड पर फर्क डालती है, थोड़ा दिमाग डोलाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन कौन सी चीजें डिमांड पर फर्क डालती हैं। क्या प्राइस वस्तु का जो या कुछ गुड्स की जो प्राइस है क्या वो डिमांड पर फर्क डालती है? आंसर इज यस, बिल्कुल डालती है। प्राइस जनरली प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, बट ये हमेशा नहीं होता, अभी इस पर बात करेंगे, बट जनरली यही होता है। एक और क्या फर्क डालता है, और फर्क डालता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खर्चा भी ज्यादा करूंगा, डिमांड भी बढ़ेगी, जब मैं पैसा ज्यादा कमाने लगूंगा तो मैं फरारी कार भी खरीदने लगूंगा, फिर तो मैं मुकेश अंबानी जी जैसा घर भी बनाने लगूंगा, ये ना समझ रहे हैं? तो इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी,
बट ये भी अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। अब डिस्कशन करेंगे डिटेल में तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और क्या हो सकता है? टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का टेस्ट क्या है, उसको किस टाइप की चीजें पसंद है, या उसका टेस्ट या उसकी एटीट्यूड ऐसा है कि वो खर्चा ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात करें तो यूएसए में लोग बहुत खर्चा करते हैं सेविंग पे, वो दे डोंट बिलीव इन सेविंग, वो सेविंग करते नहीं, वो खर्चा करते रहते हैं। इंडिया में सेविंग करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% सेव करता है आदमी, बाकी खर्चा करता है। तो अगर कोई दुकान मुझे खोलनी है और मेरे पास ऑप्शन है यूएसए का और इंडिया का, तो मैं कहाँ खोलना पसंद करूंगा? यूएसए में, क्योंकि वहां का आदमी जो कमाता है सब खर्चा कर देता है। अब यहाँ का आदमी जो कमा के लाएगा, पहले कुछ बैंक में जमा कर देगा, एफडी करा लेगा, सोने चांदी के आभूषण बनवा लेगा, फिर जो बचेगा उससे अपना काम चलाएगा, ठीक है। तो जो एटीट्यूड या टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? चौथा एक फैक्टर ये हो सकता है, अच्छा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब इसमें गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अभी खाली लिख लीजिए, आप लिखते चलिए इन बातों को, हमको लिखना भी है समझना, दोनों काम करना है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो दो टाइप की होती है, सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। और क्या हो सकता है बेटा इसके अलावा? कौन से फैक्टर हो सकते हैं? फैशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फैशन तो है ही। अब मैं अगर आपको आज पढ़ा रहा हूँ वेल बॉटम वाली वो वाली पैंट पहनकर पढ़ाऊँ तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। या अलग अलग कपड़ों के फैशन या अलग अलग चीज़ों के फैशन चलते रहते हैं। बीच में आज से कुछ साल पहले बालों को कलर करने का बहुत फैशन था, तो अलग अलग रंगों के कलर लोग लगाते थे, तो उनकी डिमांड बढ़ती थी उस समय। अब उसका फैशन खत्म हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई है। इसी प्रकार से मौसम या वेदर इफेक्ट डालता है, बिल्कुल डालता है भाई। अगर छाते खरीदने हैं या छाते की डिमांड बढ़नी है तो जो बरसात का सीजन आएगा तब छाते बेचे जाएंगे, सर्दियों में ही आप स्वेटर खरीदेंगे, गर्मियों में आप गर्मियों के कपड़े खरीदेंगे या बाकी चीजें खरीदेंगे। तो मौसम पे भी डिपेंड करेगा डिमांड। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आधारित होती है या जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि डिमांड एक्चुअली तीन टाइप की है। हम इन्हीं चीजों को समराइज करके अगर समझाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि डिमांड तीन प्रकार की है। तो लिख लीजिए चाहे तो आप, डिमांड इज ऑफ थ्री टाइप। नंबर वन, कीमत मांग या प्राइस डिमांड। नंबर टू, आय मांग या इनकम डिमांड। और नंबर तीन, क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग। इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, चलिए क्रॉस डिमांड मतलब या तिरछी मांग। एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही इसको समझ के कंप्लीट कर लेंगे आप देखेंगे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखे होंगे अपने एग्जाम्स में। तो तीनों में फर्क क्या है? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कीमत मांग। क्या है कि when the demand of the commodity or the demand of the goods is determined by the price of that goods, जब किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत से तय होती है तब उसे कीमत मांग कहते हैं। तो कीमत का जनरली क्या इंपैक्ट क्या होता है जनरली कीमत का, कि जब कीमत बढ़ेगी तो प्राइस, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, यही तो होगा। और लिख लीजिए इसको कि सामान्यतः जनरली कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है। जनरली प्राइस, व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द प्राइस देयर इज अ रिडक्शन ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यही बेटा जो आपने लाइन लिखी इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ये कहता है कि अगर सारी चीजें फिक्स है, मतलब किसी भी और चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो डिमांड है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये तब है जब सारी चीजें एक जैसी हैं,
प्राइस बढ़ी और आपको सर प्राइस बढ़ गई लेकिन मैंने मेरी कमाई भी बढ़ गई तो डिमांड कम नहीं होगी ना। तो मैंने क्या बोला कि बाकी चीज़ों को भी सेम रखना है, तभी ये देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बाकी सब चीज़ें सेम है, हम बाकी चीज़ों को भी बाकी वेरियंट को चेंज कर देंगे फिर तो सारा मैटर चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, इसको अलग से लिख लीजिएगा। मांग का नियम क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है। अगर हम इसको मैं ग्राफ की सहायता से आपको समझाऊं कि इसमें ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो कीमत मांग में ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आप जाना जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, इतना तो आप जानते ही होंगे कि मान लीजिए ये मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ये इधर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तो जानते हैं ना, वन, ये टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते, कई बच्चे नहीं जानते हैं जिनका जो बैकग्राउंड है बहुत वीक है तो वो उनको समस्या होती है समझने में। देखो बेटा इनका इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने डिमांड बना दी है, डिमांड मान लीजिए किसी चीज़ के किलोग्राम में है, तो ये 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और ये प्राइस है वस्तु का, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 30 रुपए की है, 40 रुपए की है, 50 रुपए की है। तो मान लीजिए कोई अगर चीज़ मार्केट में 50 रुपए किलो बिक रही है तो उस, तो अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 50 रुपए किलो बिक रही है तो वो सिर्फ 10 किलो बिकती है, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने पॉइंट फिर यहाँ लगाया कि अगर उसकी प्राइस कम हो गई यानी 40 रुपए की अगर हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड 30 पे आ गई। इसी प्रकार से जब उसकी उसकी प्राइस और कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। तो हम जब इन पॉइंट्स को सबको मिला लें तो हमको एक ऐसा कर्व मिलता है। तो मैं इसको ये पॉइंट ना मिला हटा करके मैं एक कर्व बना लेता हूँ। तो दिस इज द कर्व, ये डिमांड कर्व बनेगा इसमें। अगर मैं इसको प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये डिमांड कर्व ऐसा बनता है, तो डिमांड कर्व हो गया। ये यही तो समझा रहा है कि भैया अगर 40 रुपए का, सॉरी एक सेकेंड, ये डिमांड कर्व बेटा यही समझा रहा है कि अगर जो कीमत है वो 40 रुपए किलो है तो वो 20-22 किलो बिकती है, और अगर कीमत 30 रुपए किलो आ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो 35-40 किलो बिकने लगती है। तो इसमें इनवर्स रिलेशन हो गया, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसी तो हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन किसी ग्राफ में बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कर्व, ऋणात्मक वक्र या नेगेटिव कर्व। एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि दाएं ढाल वाला, बाएं ढाल वाला, तो इट इज अ कर्व हैविंग स्लोप टुवर्ड्स द राइट, ये आपका राइट है ना, तो दाएं ढाल वाला वक्र या अ स्लोप टुवर्ड्स द राइट, और ऐसे बनता तो कहते बाएं ढाल वाला वक्र, तो ये नेगेटिव कर्व इसमें बन रहा है, ठीक है। इन चीजों को आगे अब मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा, खाली मैं ग्राफ बनाऊंगा आपका। तो इसमें इसमें इसको बना लीजिए आप और लिख लीजिएगा नेगेटिव कर्व बनता है, नेगेटिव स्लोप बनता है। तो ये हो गई आपकी कीमत मांग। लेकिन कभी कभी कुछ और भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ऐसी है कि जिसकी कीमत जितनी ज्यादा है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा है, क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आईफोन जो 1 लाख रुपए का मिलता है, 70,000 रुपए का मिलता है, अगर आईफोन, लोग क्यों खरीदते हैं आईफोन, एप्पल जो आईफोन है वो क्यों खरीदते हैं? वो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर वो एप्पल का साइन नजर आए, क्योंकि वो मेरा स्टेटस को बढ़ाता है, ठीक है। फीचर्स वगैरह भी होंगे उसमें कुछ, बट वो मेरे स्टेटस को बढ़ाता है, इसलिए मुझे आईफोन खरीदना है। मैं मर्सिडीज क्यों खरीदना चाहता हूँ? यार मर्सिडीज में जो चीज़ें हैं वो तो मुझे एक 10-12 लाख की गाड़ी में भी मिल जाएंगी यार सब, तो मैं क्यों यार इतनी महंगी 60-70 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ? या फरारी क्यों खरीदना चाहता हूँ? ताकि जब मैं चलूँ तो आसपास वाले कहें कि यार ये देखो मर्सिडीज में चल रहा है, बात समझ रहे हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसलिए बिकती हैं क्योंकि उनसे स्टेटस सिंबल बढ़ता है, और ऐसी चीज़ें अगर सस्ती हो जाए तो अगर सस्ती हो जाएगी ऐसी चीज़ तो वो आदमी जो आईफोन खरीदता था तो क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर आईफोन आज 3,000 रुपए का बिकने लगेगा तो ठीक है, उसका हो सकता है कुछ और मार्केट सेगमेंट हो जाए, लेकिन जो आदमी पहले आईफोन खरीदता था अब वो आईफोन नहीं खरीदेगा क्योंकि वो तो एक जनरल चीज हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं आप? एक बड़ा अच्छा क्लासिक इसका एग्जाम्पल है टाटा नैनो। टाटा नैनो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मार्केटिंग करने वाले शायद उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। वो ये भूल गए कि भारत में कार जरूरत तो है ही, जरूरत के अलावा भारत में कार स्टेटस सिंबल है। आदमी इसलिए भी कार खरीदता है, इसलिए ही ज्यादा कार खरीदता है ताकि मैं कार खरीदने से मेरा स्टेटस बढ़ेगा। तो
उसका मार्केटिंग लाइन ये थी जब टाटा नैनो आई थी कि भैया लखटकिया कार, 1 लाख रुपए की कार, 1 लाख रुपए की कार। तो आदमी ने सोचा यार मैं अगर इस कार को ले भी लेता हूँ और अगर रोड पर लेके जाऊँगा तो लोग तो यही कहेंगे ना 1 लाख रुपए की कार में घूम रहा है, तो मेरा स्टेटस कहाँ बढ़ा उससे। तो मैं भले ही 1,10,000 रुपए की या 80,000 रुपए की एक सेकेंड हैंड कार खरीद लूंगा जो थोड़ी उससे महंगी होगी, तो उससे मेरा स्टेटस ज्यादा दिखाई देगा बजाय इस वाली गाड़ी से। तो इसलिए टाटा नैनो भारत में फेल हो गई, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था वो। तो जो स्टेटस सिंबल वाली चीजें होती हैं जिनकी मांग प्राइस बढ़ने पर और बढ़ जाती है, आईफोन में देखा आपने, और महंगा एक वर्जन जब लॉन्च होगा उससे उसकी डिमांड कैसी होती है, लाइन लग जाती है उसको लेने के लिए। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं वेबलिन गुड्स, जिसकी डिमांड प्राइस बढ़ने से बढ़ती है और प्राइस कम होने से कम हो जाती है। इसमें लिख लीजिए इस बात को, परंतु अभी इसको मत लिखिएगा, अभी एक कीमत मांगी लिख रहे हैं, तो कीमत मांग में एक हेडिंग डाल लीजिए वेबलिन गुड्स। वेबलिन की स्पेलिंग है VEBLEN, लिखिए। इसमें दिखावा करने वाली वस्तुएं आती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द गुड्स विच हैज स्नॉब अपील, SNOB, स्नॉब अपील, APPEAL, जो समाज में व्यक्ति के स्तर को ऊंचा करती हैं, एंड दे आर एक्चुअली द स्टेटस सिंबल गुड्स इन द सोसाइटी। सच एज, जैसे इसके एग्जांपल लिख लीजिए, आईफोन, डायमंड्स, हीरा, भाई हीरा आदमी क्यों पहनता है, उसकी जरूरत थोड़ी है कुछ, डायमंड, महंगी कारें, एक्सेट्रा। और इसमें इस बात को लिख लीजिए, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है, डिमांड ऑफ दीज कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द प्राइस इन दीज कमोडिटी। तो इसमें कर्व कैसे बनेगा, इसमें कर्व थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, मैं यहां बना देता हूं, 0 x-axis y-axis, ये हो गया डिमांड, ये हो गया प्राइस ऑफ वेबलिन गुड, वेबलिन गुड्स, वेबलिन वस्तु की कीमत अगर बात करें, तो इसमें तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसमें कर्व कैसा बनेगा, इसमें कर्व बेटा ऐसा बनेगा, मतलब कि अगर उसकी कीमत यहां थी, कम थी, तो उसकी डिमांड यहां थी, कीमत बढ़ गई तो डिमांड और बढ़ गई, कीमत और बढ़ गई तो डिमांड और बढ़ गई, ऐसे तो कर्व बन रहा है। तो ऐसा ये कैसा कर्व है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव कर्व है क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे इसको इट इज अ पॉजिटिव कर्व, या बाएं ढाल वाला, इसमें ढाल स्लोप किधर है, लेफ्ट हैंड पे, तो लेफ्ट स्लोप कर्व भी इसको कहा जाता है। तो लिख लीजिए वेबलिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है और धनात्मक वक्र बनता है, एंड पॉजिटिव कर्व टेक्स प्लेस, पॉजिटिव कर्व टेक्स प्लेस, इसको बना लीजिए, ये दोनों बनाते चलिए, हर फिगर आपको बनाना है, बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वेबलिन वस्तुओं की बेटा बात करता हूं तो यहां पर एक चीज और है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नॉर्मल कमोडिटी भी, ऐसी कमोडिटी भी वेबलिन कमोडिटी की तरह से काम करने लगती है। जैसे कोई कर्फ्यू लग गया, बंद हो गया सब, कोरोना के समय में सब बंद हो गया, तो अब इस समय में क्या होता है कि जब दुकानें खुलती हैं तो लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं सामान खरीदने के लिए। तो जैसे वो गए बाजार, उन्होंने साहब ऐसा है कि दूध कितने रुपए लीटर है, तो मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं 50 रुपए लीटर बिकता था, मुझे पता नहीं 50 रुपए लीटर बिकता था, तो अभी दूध महंगा हो जाएगा, तो वो कहेगा साहब 70 रुपए, उन्होंने 70 रुपए, ओहो यार तुम मुझे, अभी तक तो मैं 2 लीटर ले जाता था डेली का, तो मुझे 4 लीटर दे दे भैया, पता नहीं कल खुलेगा नहीं खुलेगा। तो कीमत बढ़ी तो एक पैनिक क्रिएट हुआ मार्केट में, और उसकी कीमत बढ़ने से मैंने और खरीदा उसको, और फिर अगले दिन फिर खुला, मैंने भाई आज कितने रुपए लीटर है, बोले सर 90 हो गया, ओहो समस्या है यार, तो और पैनिक क्रिएट हुआ मेरे अंदर, तो मैंने उसको अब 5 लीटर ले लिया। फिर 4 दिन बाद फिर खुला, मैंने भाई कितने का है, बोले सर दूध तो है ही नहीं, है थोड़ा सा तो सर 150 रुपए लीटर है, बोले यार तू मुझे एक काम कर 10 लीटर दे दे, बोले सर 10 है ही नहीं, बोले सर दे दे यार, अच्छा चलो ठीक है सर तू 10 लीटर लेकर आ रहा है। तो यहाँ प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो इस बात को भी लिख लीजिए, इन सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में सामान्य वस्तुएं भी वेबलिन वस्तुओं की तरह कार्य करती हैं, जनरल गुड्स आल्सो एक्ट एज अ वेबलिन गुड्स, जैसे सच एज कर्फ्यू, CURFEW, कर्फ्यू, या इमरजेंसी में, आपातकाल में, या स्पेकुलेशन में,
मतलब अंदाजे में, वो स्पेकुलेशन हो रहा है ना कि यार अब तो और बढ़ेगा दाम, कई चीज़ों की डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि दाम, लोगों को लगता है कि यार अब इसका दाम बढ़ेगा, अब तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, चलो और खरीद लो और खरीद लो और खरीद लो, तो ऐसे भी स्पेकुलेशन में, ठीक है ना। तो उनको वेबलिन गुड्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में यूपीएससी के मैंने ये देखा है, ये बताइए ऐसी कमोडिटी जिनकी कीमत बढ़े तो उनकी प्राइस, उनकी 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 डिमांड बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेबलिन गुड्स, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने इसको सीडीएस के पेपर में देखा था, अभी 2.5 साल पहले पेपर हुआ था सीडीएस का, उसमें मुझे याद है यही सेम क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में था, और वैसे भी कई बार आया है। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे आएंगे आपके एग्जाम में, और यहाँ से वो क्वेश्चन होंगे तो जनरली बच्चे अवॉइड कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, मतलब आई मीन पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई कीमत मांग, प्राइस डिमांड। अगली आइए साहब इनकम डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड या आय मांग। आय मांग किसे कहते हैं? लिख लीजिए, व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिटरमाइंस द डिमांड इन द मार्केट। तो क्या लगता है क्या होता होगा इसमें, कैसा कर्व बनेगा, क्या होता होगा? तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में अंदर, जनरली यही होता है बट नॉट ऑलवेज। तो इस बात को लिख लीजिए, सामान्यता इन जनरल सर्कमस्टेंसेस उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है। देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द डिमांड व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कैसा कर्व बनेगा? यही वाला तो बनेगा, तो सेम बना लीजिए, बस यहां पर चेंज कर लीजिएगा, सेम कर्व बना लें और यहां पर प्राइस ऑफ द वेबलिन गुड्स की जगह लिख लें इनकम ऑफ कंज्यूमर। आपको दूसरा फिगर बनाना है, मेरे पास ये फैसिलिटी है इसको मिटाने की, तो इसलिए मैंने मिटा के कर दिया, आप दूसरा फिगर बनाइएगा, ठीक है। तो ये इनकम डिमांड का कर्व ये बन जाएगा, बन गया साहब, बना लिया आप लोगों ने। और ये आपको कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ और महीने में मैं वट 1 GB डेटा इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल का, डेटा का एग्जाम्पल गलत हो गया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। महीने में मान लीजिए मेरे राशन का खर्चा जो है वो 5,000 रुपये का है, और जब 50,000 का माने लगूंगा तो मेरे राशन का ही खर्चा 7-8,000 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है कि जितना वो बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, लेकिन हाँ उसके अनुपात में तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी वजह से बढ़ता है। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये महीना कमाता था तो मेरे घर का राशन 5,000 का था, और अगर मान लीजिए मैं 1,00,000 रुपये महीना कमाने लगूंगा तो मेरे घर का राशन 50,000 रुपये का आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन, ये भी याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में ये कन्फ्यूज करने के लिए एक बार क्वेश्चन आया था मुझे याद है। तो ये इट इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट कि वो बोलेगा कि भाई इस सेम अनुपात में बढ़ता है, नहीं सेम रेशो में बढ़ता है, नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता है। तो अगर मैं 1,00,000 कमाऊंगा तो हाँ मैं 5,000 का राशन ना आकर के फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड करवा दूंगा, तो हो सकता है कि वो 10-12,000 रुपये का राशन या और महंगा या और 2-4,000 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये साहब इसका कर्व हो गया। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मैं कम पैसे कमाता हूँ, मैं मान लीजिए 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ और बीवी भी है, बच्चा भी है, खर्चे भी चलाने हैं, ठीक है भाई, अब गरीबी चल रही है, 5,000 महीना कमा रहा हूँ, मुझे मोबाइल ख़रीदना है, और मोबाइल ऐसा ख़रीदना है जिसमें कि थोड़ा सा व्हाट्सअप वगैरह भी चला लूँ, थोड़ा सा यू नो वीडियो वगैरह भी देख लूँ, तो ऐसा कोई मोबाइल चाहिए। तो मुझे मालूम होगा अच्छा मोबाइल तो इसमें आएगा नहीं, तो मुझे ऐसा मोबाइल खरीदना पड़ेगा जो मुझे मालूम है अच्छा मोबाइल नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, कोई तो कोई चाइना का मार्केट में जाकर के कोई चाइना का मोबाइल खरीद लाऊंगा जो मुझे मालूम है हो सकता है अगले 6 महीने में ख़राब हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर है, बहुत ही घटिया चीज़ है वो, लेकिन फिर भी मैं उसे खरीद लूँगा, चलो साहब काम खरीद लाया, काम चला रहा हूँ उससे। और अब कुछ दिनों बाद मेरी इनकम 5,000 से बढ़ के हो गई 50,000, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं क्या चाइना का मोबाइल खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, अब तो मैं थोड़ा सा एक ठीक ठाक ब्रांड वाला कोई मोबाइल खरीदूंगा, क्योंकि अब मैं उसको पे करने के लायक हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि मेरी इनकम बढ़ने से चाइना के मोबाइल की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ा, मेरी इनकम बढ़ी तो चाइना के मोबाइल की डिमांड कम हो गई। तो अगर भारत में सबकी इनकम बढ़ जावे तो भारत में जो खराब क्वालिटी के मोबाइल मिलते हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब जो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स हैं उसकी डिमांड कम होती है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऐसे जो गुड्स हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको बोलते हैं गिफिन गुड्स।
उनको बोलते हैं गिफिन गुड्स, GIFFEN. गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, इकोनॉमिक्स स्टडी करते थे, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इसलिए उनकी वजह से इनको गिफिन गुड्स कहते हैं. तो एक अगला हेडिंग डाल लीजिए इनकम डिमांड में, गिफिन गुड्स, GIFFEN, गिफिन गुड्स लिख लीजिए. ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं. द कमोडिटी विच कैन गेट विच इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी इज नोन एज गिफिन कमोडिटी. ब्रैकेट में हिंदी में घटिया वस्तु भी लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा में ऐसे लिखा देखा है कि ये बताइए वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की कीमत बढ़ने पर घट जाती है उनको क्या कहते हैं, तो घटिया वस्तुएं भी इसमें ऑप्शन में आ जाता है, या घटिया वस्तुओं की डिमांड की डिमांड पर इनकम बढ़ने पर क्या इंपैक्ट आता है. इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो ये गिफिन वस्तुएं क्या हो गई, जो एक्चुअली हम सामान्य भाषा में कहें तो कैसी चीजें हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं हैं, द इंफीरियर क्वालिटी गुड्स हैं वो. तो इसके बारे में कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. तो अगेन ऐसा कर्व बना लीजिए आप, इधर लिख लीजिए डिमांड और इधर लिख लीजिए प्राइस, नहीं इधर क्या लिखेंगे बताइए, इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे डिमांड ऑफ व्हाट, यहां लिखेंगे गिफिन वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स, और यहां लिखेंगे उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो कर वैसे ही बनेगा बेटा, इसी तरह से बनेगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे गिफिन वस्तु की मांग कम हो रही है. कोई समझ में आने में कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल दे देके बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग के अंदर उतर जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है उतरेगा, क्योंकि अभी तो और चीज़ें इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह भी पढ़नी है, वो भी हमको समझ के चलते रहनी है. तो गिफिन गुड्स हो गया, देन इसके अलावा हमने क्या इससे पहले कौन सा गुड्स देखा था, वेबलिन गुड्स देखा था, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी हमने देख ली. ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. तो अब तीसरे पर आते हैं क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड क्या है, मान लीजिए ये पेन बाजार में 10 रुपए का मिलता है, मुझे पता नहीं ध्यान नहीं अभी कितने का मिलता है, पेन 10 रुपए का मिलता है. ट्यूबलाइट जो है बाजार में 200 रुपए की मिलती है, ये पेन जो है बढ़ के हो गया 50 रुपए का, तो इसकी वजह से ट्यूबलाइट की डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, उससे इसका क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन कभी कभी पड़ता है, मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का है और इंक जो मार्केट में आती है वो 50 रुपए की है, और अब इंक की कीमत बढ़ के हो गई 100 रुपए, तो अब क्या इसकी डिमांड पर कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंक की तो मुझे डालनी है, तो अब इसकी डिमांड भी उसके प्राइस की वजह से कम हो जाएगी. तो इसकी प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी और चीज की प्राइस पर फर्क पड़ा जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो गई, कभी कभी बढ़ भी जाती है. तो जब किसी एक कमोडिटी पर कोई दूसरी कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट डालता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड. वो क्रॉस मतलब वो गुड्स इस गुड्स को इफेक्ट कर रहा है. तो लिख लीजिए इस बात को, जब कोई एक वस्तु, जब किसी एक वस्तु की कीमत किसी दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, then it is called cross demand, तो उसे तिरछी मांग कहते हैं. ये दो प्रकार की होती है, this is of two type, it is of two types, ये दो प्रकार की होती है. तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं इस हिसाब से. इसमें पहला ए लिखिए, स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट कैसे कहते हैं, कि या ये इस्तेमाल कर लो या ये इस्तेमाल कर लो, ये इसका सब्स्टिट्यूट, ऐसी तो कहते हैं. तो लिख लीजिए चाहे तो इसमें, कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, the commodities which can be used in place of one another are called substitute goods. Example, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है परफेक्ट एग्जाम्पल, चाय एंड कॉफी. चाय का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो कॉफी का कर लो, कर सकते हैं कि नहीं, और क्या कर सकते हैं, और दिमाग लगाइए, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी. अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग लगा के खुद इसका एग्जाम्पल लिखिए.
चाय कॉफी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यही एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। वो पूछेगा चाय और कॉफी किस टाइप की कमोडिटीज हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट कमोडिटीज हैं। तो अगर कोई स्थानापन्न वस्तु है तो अब मुझे बताइए कि चाय और कॉफी में से किसी एक की कीमत बढ़ी तो दूसरी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि चाय 300 रुपए किलो मिलती है, मैं सब मान के चल रहा हूं भैया, है ना, मैं मुझे इनकी कीमत नहीं पता है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और मान लीजिए कॉफी मिलती है 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए पर केजी मिलती है। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी कम पीते हैं क्योंकि थोड़ी महंगी है, चाय ज्यादा पीते हैं क्योंकि चाय थोड़ी सस्ती है कंपैरेटिवली। तो अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भूकंप भूकंप आ जाए, कुछ और दिक्कत ऐसी पैदा हो जाए कि चाय की कीमत 300 रुपए से बढ़ करके 3000 रुपए किलो हो जाए, अब क्या होगा? तो इसकी कीमत बढ़ने से कॉफी की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि अब लोग चाय क्योंकि महंगी हो गई तो चाय छोड़ के क्या करेंगे, कॉफी पियेंगे। तो इसकी कीमत बढ़ेगी और इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो कैसा कर्व बनेगा? ऐसा कर्व बनेगा। इस कर्व में क्या होगा, इस कर्व में थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये यहां पे आएगा चाय या कॉफी लिख देते हैं, कॉफी की मांग, डिमांड ऑफ कॉफी, और यहां चाय की कीमत, प्राइस ऑफ द टी। ये बनेगा नहीं बनेगा कि ये इसकी कीमत बढ़ रही है तो इसकी डिमांड, सॉरी गलत हो गया, उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसमें तो ये वाला कर्व बनेगा ना कि जब क्योंकि इसकी कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग, इसकी कीमत बढ़ी तो इसकी डिमांड बढ़ी, यही तो हो रहा है, और इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये वाला बनेगा मेरे बच्चों, गलती से गलती कर दी है ना, तो इधर आ जाते हैं साहब, इसको बना लेते हैं, बात तो वही है। तो यहां पर आप बनाएंगे और इसमें लिखेंगे प्राइस ऑफ कॉफी और या डिमांड लिख दो उसको, ये तो नीचे डिमांड ही लेते हैं तो डिमांड लिख दो, डिमांड ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ टी। तो उसमें कैसा कर्व बनेगा, पॉजिटिव, इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, इस स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक वक्र बनता है या बाएं ढाल वाला, बाएं स्लोप वाला वक्र बनता है। पॉजिटिव कर्व टेक्स प्लेस इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, लिख लिया बेटा। सॉरी, दूसरा, दूसरी चीजें कौन सी होती हैं, दूसरी वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, ऐसी चीजें जो दो चीजें एक साथ यूज करेंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लिख लीजिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, व्हेन टू कमोडिटीज आर यूज्ड टुगेदर देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो सकता है भाई, इसका उदाहरण एक क्लासिक एग्जाम्पल है कार और पेट्रोल। अगर कार और पेट्रोल दो चीजें, भाई कार बिना पेट्रोल के चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये मत कहना सर सीएनजी चला लेंगे, मैं पेट्रोल वाली कार की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर कार नहीं है तो पेट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं, पेट्रोल क्या करेंगे आप, आग थोड़ी लगाएंगे उससे। तो अब या और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेन एंड इंक, अगर इंक नहीं है तो इस पेन का क्या करूंगा मैं, किसी काम का नहीं है। और अगर पेन नहीं है मार्केट में तो इंक को क्या करूंगा, किसी के मुंह पे थोड़ी फेंकनी, समझ रहे। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जो एक साथ ही काम कर पाएंगे, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा, राधा के बिना श्याम, सीता के बिना राम अधूरे हैं, तो वो दोनों दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, ठीक है। सीताराम का एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसा क्या रिलेशन होगा, अब मुझे बताइए कि पेन की कीमत, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्याही की कीमत, इंक की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो इंक की कीमत बढ़ने से पेन की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि पेन की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि जब वो महंगी हो गई तो ये भी महंगी हो जाएगी, है ना। तो ये भी इसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि दोनों को एक साथ ही तो हमको यूज करना है। तो इसमें कैसा कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि कार की मांग, डिमांड ऑफ कार, और देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत, कि अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा
तो कार की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, क्योंकि कार चलाना तो पेट्रोल से ही है ना। तो कार की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ठीक है भाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस डिमांड। तो ये तीन टाइप की डिमांड आपने देख ली, स्थानापन्न वस्तु देख ली, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये जो है तीन टाइप की मांग है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम अगले लेक्चर में बात करते हैं, और अगले लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, ठीक है। वो भी बहुत डिफिकल्टी, बड़े आसान सा है, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम उन चीजों को देखेंगे।